न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राशि निगम। ग्वालियर में सर्व पत्रकार संघ ने राज्यपाल के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने, सुविधा देने की मांग की है। पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल में पत्रकारों के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है, जिससे पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त है। अपन पत्रकारों के हित को देखते हुए दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने पत्रकारों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं पिछले दिनों, उनको वापस लेने और तहसील स्तर पर जो मैदानी क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रशासनिक एक कार्ड जारी किया जाए, जिससे उन्हें अपने काम करने में कोई दिक्कत ना पैदा हो, उन्हें अधिमानता दी जाए जो अधिमान नहीं है। और तीसरा, जो पत्रकार आवासहीन है उनको चिन्हित करते हुए कम से कम दर पर, उनकी मासिक आय के अनुसार देखते हुए कम से कम दर पर उन्हें आवास मुहैया कराई सरकार, और जिनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं। हमने 15 दिन का इनको समय दिया है, 15 दिन के आगे हम धरना प्रदर्शन और जो भी हमसे जो काम बन पड़ेगा पत्रकारों के हित के लिए उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। 15 दिन के पश्चात हमारी प्रदेश और संभाग एवं जिला स्तर की इकाइयाँ इस बात के लिए लेंगी आगे के निर्णय कि हमें आगे क्या करना है। सर, पत्रकार संघ की ओर से आज 5 मांगों पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसमें एक मांग ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि जिसमें कोई भी जांच किए बिना पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज ना किए जाएं, आपराधिक प्रकरण, उससे संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तहसील जिला स्तर पर काम करने वाले मैदानी पत्रकारों को अधिमानता के संबंध में है। आवासहीन पत्रकारों को चिन्हित करते हुए कम कीमत के आवास उपलब्ध कराने के संबंध में, और प्रदेश स्तर पर संभाग जिला तहसील स्तर पर काम करने वाले जो पत्रकारों के विरुद्ध अभी तक प्रकरण दर्ज हो गए हैं उनको वापस लेने के संबंध में। इन्होंने 15 दिवस का समय मांगा है, मांगे चूँकि राज्य शासन से संबंधित हैं, हम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन प्रस्तुत कर देंगे, वहाँ से ये कार्यवाही होगी। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।